नमस्कार। बदलाव की यात्रा में बदलते उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं। राशन कार्ड धारक 8 सुविधाओं का उठा सकते हैं फायदा। राशन कार्ड पर कम कीमत में फ्री राशन ही नहीं मिलता, बल्कि आप और भी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। राशन कार्ड पर आपको एक नहीं बल्कि 8 फायदे मिलते हैं। राशन कार्ड के आधार पर किसान फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। महिलाएं इसके तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा कारीगर और शिल्पकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत राशन कार्ड पर लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार राशन कार्ड की मदद से गरीबों को खुद का घर मुहैया करवाती है, यानी जिन लोगों के कच्चे घर है, भारत सरकार उन्हें पक्के घर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मदद प्रदान करती है। राशन कार्ड के जरिए आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यूपी की इस यूनिवर्सिटी से अब कर सकते हैं एक साथ 2 डिग्री कोर्स। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। अब यहाँ के छात्र एक साथ 2 डिग्री कोर्स में दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। यह नई सुविधा छात्रों को विभिन्न विषयों में अधिक ज्ञान अर्जित करने और अपने करियर के अवसरों को और मजबूत बनाने का मौका देगी। यूपीएससी और एसएससी सहित इन एग्जाम में पारदर्शिता लाने के लिए अब आधार आधारित प्रमाणीकरण से होगी भर्ती। प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण की पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत केंद्र ने कई भर्ती निकायों को आधार आधारित सत्यापन का उपयोग करने की अनुमति दी है। आरपीएससी ने फर्जी अभ्यर्थियों और डमी कैंडिडेट्स की समस्याओं को रोकने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण को मंजूरी दे दी है। ग्रेटर नोएडा में क्राइम कंट्रोल के लिए हर कोने पर होगी तीसरी आंख। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ग्रेटर नोएडा में बढ़ रही अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए प्राधिकरण ने बड़ी पहल की है। 3000 हाईटेक कैमरे लगाने का प्लान तैयार किया है। इसके लिए 350 स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। इन सभी कैमरों की 24 घंटे निगरानी की जाएगी, जिसके लिए बाकायदा एडवांस कंट्रोल रूम भी तैयार होगा। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखने पर पुलिस एक्टिव हो जाएगी। कैमरों की मदद से न सिर्फ क्राइम कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे ट्रैफिक की गतिविधि को नियंत्रित करने में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इनकी मदद से ओवर स्पीडिंग, गलत साइड से जाने वालों पर नकेल कसी जाएगी और ट्रैफिक जाम को कम करने की दिशा में काम किया जाएगा। कोस्ट गार्ड में निकली ऑफिसर्स की वैकेंसी, मंथली सैलरी 2 लाख रुपए से भी अधिक। इंडियन कोस्ट गार्ड में ऑफिसर्स लेवल की भर्ती निकली है। देश सेवा करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। कोस्ट गार्ड ने जिन पदों पर भर्ती निकाली है, उम्मीदवार कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए लास्ट डेट नोटिफिकेशन डेट निकलने से लेकर 60 दिन तक है। इस भर्ती अभियान के जरिए कोस्ट गार्ड में अलग अलग विभागों में कुल 38 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 56 साल निर्धारित की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।